नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीक इन्फो पर। दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का स्रोत रही है बल्कि विश्वसनीय नौका चालन मार्ग भी साबित हुई है। भारत सरकार इन जल मार्गों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनः जीवित करने की ओर अग्रसर है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गंगा विलास क्रूज के बारे में, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर 13 जनवरी 2023 को किया गया। यह क्रूज विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक रिवर क्रूज है। ये क्रूज पूरी तरह से भारत में निर्मित है। दोस्तों, इस क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर है और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसमें पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 स्वीट्स हैं, साथ में एक 40 सीटर रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 सन डेक हैं। साथ में म्यूजिक का भी इसमें इंतज़ाम किया गया है। इस क्रूज में 32 पर्यटकों सहित कुल 80 यात्रियों के ठहरने की सुविधा है। क्रूज का इंटीरियर देश की संस्कृति और धरोहर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर में सफ़ेद, गुलाबी, लाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए कुल 51 दिनों में करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बसे प्रमुख 40 महत्वपूर्ण स्थानों की इको फ्रेंडली यात्रा करवाएगा। दोस्तों, इस क्रूज की शुरुआत होगी वाराणसी के पवित्र घाटों से, जहां से यह गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालयों और मंदिरों से होता हुआ गाजीपुर, बक्सर, बिहार पहुंचेगा, जहां यात्री पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन और झारखंड के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। दोस्तों, इसके आगे यात्री वरक के हुगली नदी पर बसे अनोखे गांवों और डाक बंगलों को देख पाएंगे और आगे यह क्रूज कोलकाता को क्रॉस करते हुए उसके आगे विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरवन पहुंचेगा। इसके बाद यात्री काजीरंगा के घने जंगलों और गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन से एक कामाख्या मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। इसके आगे यात्री भारत का एक महत्वपूर्ण रेल कम सड़क पुल बोगीबिल का वास्तुशिल्प का चमत्कार देख पाएंगे और अंत में यह क्रूज अपने अंतिम पड़ाव डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। दोस्तों, अगर बात करें इस क्रूज की रफ्तार की तो अपस्ट्रीम में इसकी रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं डाउनस्ट्रीम में इसकी रफ्तार दुगनी हो जाती है। दोस्तों, क्रूज के संचालन में एक दिन में लगभग 1000 लीटर डीजल खर्च होता है। इसकी ईंधन क्षमता 40,000 लीटर की है, इस लिहाज से यह क्रूज 40 दिन तक लगातार पानी पर तैर सकता है। दोस्तों, अगर बात करें इस क्रूज पर एक यात्री के किराए की तो एक यात्री का नॉर्मल किराया लगभग 50 से 55 लाख रुपए होगा। इतनी ऊंची कीमत होने के बावजूद भी इस क्रूज पर यात्रा के लिए बुकिंग 2024 तक फुल हो चुकी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी।